हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इफिन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मास्टर कार्ड दोबारा से इंडिया में एंट्री कर सकेगा, क्या फिर से मास्टर कार्ड की इंडिया में वापसी हो सकेगी या फिर नहीं हो सकेगी। तो चलिए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये समझ लीजिए इसी साल की बात है, कि हम जब कोई कार्ड लेने जाते, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, फिर डेबिट कार्ड हो, फिर आपका प्रीपेड कार्ड हो गया, तो मेनली हमें तीन तरह के पेमेंट नेटवर्क के ऑप्शन मिलते हैं। हम कोई भी कार्ड ले रहे हों तो उसमें पहले तीन तरह के ऑप्शन मिलते थे। बहरहाल अभी के टाइम में तो ये ऑप्शन एक उसमें से गायब हो गया है, जो कि है मास्टर कार्ड का। तो जो ऑप्शन होते थे पहले, वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपे, ये तीनों ऑप्शन होते थे मेनली, मतलब कि कॉमनली आमतौर पर। अदरवाइज़ हम देखें तो दूसरे भी पेमेंट नेटवर्क्स हैं, लेकिन उनके कार्ड जो है मिलना मुश्किल है, सबको इतनी आसानी से नहीं मिल पाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मतलब यूज़ किए जाते हैं वो यही तीनों हैं, इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ। और बाकी अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब, बताइएगा आपके पास हैं क्या इनके नेटवर्क वाले कार्ड, अगर हो तो बताइए। 100 में से मेरे ख्याल से मुश्किल से आपको मिलेंगे 2 से 5 लोग ऐसे जिनके पास ये कार्ड हो सकता है कि हो, नहीं तो बहुत कम ही लोगों के पास होते। तो इसलिए इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले हमें तीन ऑप्शन मिलते थे, तो उसमें मास्टर कार्ड भी था, बट कुछ टाइम पहले जो है RBI ने मास्टर कार्ड पर बैन लगा दिया है कि अब मास्टर कार्ड नेटवर्क के साथ में नए क्रेडिट कार्ड्स या फिर डेबिट कार्ड्स या फिर प्रीपेड कार्ड नहीं इशू किया जाएंगे, बाकी जो पुराने पहले के हैं वो तो वैसे ही चलते रहेंगे। तो अब यहाँ पे डिबेट ये आ जाती है कि क्या दोबारा से ये मास्टर कार्ड फिर से हमें देखने को मिलेगा इंडिया में या फिर नहीं। क्योंकि देखिए, ले दे करके वहीं हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं अभी के टाइम में, एक वीज़ा है और एक रुपए है। आप लोगों को याद होगा, पता होगा अच्छे से, कि जो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड पहले मास्टर कार्ड नेटवर्क के साथ में आते थे, उनको बदल करके अब जो वीज़ा के साथ में लाया जा रहा है, तो ये तो आप खैर जानते ही, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट इससे जो क्या है कि हमें ऑप्शन की एक तो कमी महसूस हो रही है, कि हमें और भी ऑप्शन मिलना चाहिए है जो कि मास्टर कार्ड का था पहले, लेकिन उसके ऊपर बैन क्यों लगा है, तो वो डेटा के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस RBI ने बना रखे हैं, तो उनको मास्टर कार्ड फॉलो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से RBI ने बैन लगा दिया। तो डेटा को लेकर के जो RBI के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको मास्टर कार्ड फॉलो नहीं कर रहा था, जिसके चलते मास्टर कार्ड पर RBI ने बैन लगा दिया था। तो अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि क्या दोबारा से मास्टर कार्ड की इंडिया में एंट्री हो सकेगी, वापसी कर सकेगा मास्टर कार्ड इंडिया में या फिर नहीं। तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकता है, अगर वो जो भी रूल्स और रेगुलेशंस RBI की तरफ से बनाए गए हैं उनको अच्छे से फॉलो करता है तो। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई चांस नहीं है, क्योंकि देखिए जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं RBI की तरफ से, और ख़ास करके डेटा को लेकर के, तो वो यूज़र की सेफ्टी को ध्यान में रख करके, यूज़र की सेफ्टी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो RBI का जो भी डिसीजन होता है वो बहुत सही होता है, तो RBI का ये डिसीजन बहुत सही था, बहुत अच्छा था, क्योंकि डेटा हैंडलिंग को लेकर के RBI सेटिस्फाई नहीं था। जिस तरह से डेटा हैंडल कर रहा था मास्टर कार्ड, उसको लेकर के RBI सेटिस्फाई नहीं था, और इसी वजह से बैन लगाया गया। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि मास्टर कार्ड अगर एक नया ऑडिट लेकर आए और RBI को सबमिट करे, और RBI उसकी जाँच पड़ताल करके फिर देख करके बैन हटा ले, तो फिर जो है एंट्री हो सकेगी, वापसी हो सकेगी मास्टर कार्ड की। जैसे वीज़ा चल रहा है, रुपए चल रहा है, सब तो चल ही रहा है, तो वैसे जो है मास्टर कार्ड भी फिर से आने शुरू हो जाएंगे, मतलब मास्टर कार्ड नेटवर्क के साथ में कार्ड्स वगैरह आने शुरू हो जाएंगे नए नए। तो मुझे इंटरनेट पर एक न्यूज़ आर्टिकल मिला है, अब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग मास्टर कार्ड ने सबमिट किया है नया ऑडिट RBI को, वही डेटा हैंडलिंग को लेकर के, जिसकी वजह से बैन लगा था मास्टर कार्ड के ऊपर। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, अब इस पे जो है RBI क्या डिसीजन लेता है, और डिसीजन लेने के बाद क्या होता है। तो हमें सवाल का जवाब मिल गया है कि बिल्कुल मास्टर कार्ड भी जो है दोबारा से इंडिया में आ सकता है, अगर वो RBI के बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है तो, अदरवाइज़ यहाँ पर चांस नहीं है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि मास्टर कार्ड दोबारा से हमें देखने को मिले। अब इसमें कितना टाइम लगेगा ये तो मास्टर कार्ड जाने और RBI, तो देखते हैं कि मास्टर कार्ड दोबारा से एंट्री करता है इंडिया में या फिर नहीं करता है। तो आपको क्या लगता है कि मास्टर कार्ड फिर से आएगा या फिर नहीं आएगा, जो भी आपका ओपिनियन है वो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और वैसे ये मुझे आर्टिकल जो है पुराना थोड़ा सा लग रहा है, और अभी कोई लेटेस्ट न्यूज़ इसके बारे में नहीं है, और जैसे कोई लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगा।
इसके अलावा ये जो बैन लगाया था आरबीआई ने, इसके बारे में हम कभी दूसरी वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिर्फ इन शॉर्ट समझा दिए, बता दिए, ताकि जो लोग नहीं जानते हों उनको पता रहे। तो बहरहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर इसको लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।